सिस्टर का नाम रिम्पी है और जो मंजिठा रोड पंडोरी ब्रांच के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही बहुत ही बिग टेस्टिमनी है और जिस सिस्टर की गवाही जे जे बता रही कि 7 साल से जे बेबी को कंसीव नहीं थे कर पा रहे और जिस सिस्टर 5 साल से यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और जे बता रही कि आज परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया है। सुनो, ये लंबे समय से हमारे साथ हैं, 5 साल हो गए इन्हें हमारे साथ इसी मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि इस मिनिस्ट्री को लाइव मीटिंग शुरू किए हुए तो भी सिर्फ हमें 3 साल हो गए, मगर इससे पहले हम किसी अलग जगह पे किसी के घर पे संगति करते थे, 2 साल हमने वहां पे खुदा का काम किया और 3 साल हो गए यहां से, और ये 5 साल से हमारे इस मिनिस्ट्री के साथ ही जुड़े हैं। तो इनकी शादी को अभी अपने सुना 7 साल हो गए और ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर रहे? शुरू शुरू में बहुत अच्छा मन था, बहुत विश्वास था, क्या परमेश्वर करेगा, क्या करेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया विश्वास कम होता गया, कई विचार मन में आने लगे, फिर कुछ यहां से हटकर ऐसे मन में आया कि यहां वहां पर ही आकर देखते हैं। तो वहां पर भी गए, क्या गए, तो वहां पर भी गए, मगर बात फिर नहीं बनी। मैंने फिर से समझाया, क्या समझाया कि नहीं, वचन को पूरा करने से बनेगी बात। क्या बनेगी? वचन को पूरा करने से बनेगी बात। और फिर इन्होंने ऐसे ये कहीं पर काम करते थे और उन्होंने बताया कि डॉक्टर है, बहुत अच्छा है आपका, आप ये ट्रीटमेंट कराओ तो क्या हो जाएगा, आप बेबी कंसीव कर लोगे। तो उनसे डॉक्टर से मिले, वो कहते कोई बात नहीं, हो जाएगा। 8 महीने का कोर्स था। क्या था, क्या कहते हैं उस कोर्स को, थोड़ा माइक तो इन्हें, उसकी आपके पास कोई रिपोर्ट है? हाँ, क्या कहते हैं जी पापा जी, दिखाओ क्या कहते हैं इसको, रिपोर्ट को दिखाओ। कहते से पीसीओडी तानू, पीसी, हाँ जी, नहीं पानी वाली सॉली जिन्नू कहते, ये उसकी फाइल है। हाँ जी, हाँ जी, ये उसी की फाइल है जो आपने 8 महीने, हाँ जी, कोर्स किया PCD, जिसका मतलब है कि पानी वाली रसौलियों के कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। हाँ जी, उसका 8 महीने तक इन्होंने ट्रीटमेंट कराया। हाँ जी, पर आखिरकार, और 8 महीने में ये खुदा से भी दूर हो गई। क्या हो गई? खुदा से भी दूर हो गई, क्योंकि इन्होंने ऐसे बुद्धि से सोचा कि शायद परमेश्वर से नहीं बात मनी, ऐसे करके देखते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं हमारा काम बन जाएगा। फिर वो भी किया, क्या किया, 8 महीने का कोर्स किया और लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया अब ये हो गया, नहीं तो कभी भी अब मां नहीं बन सकते। और वही हुआ, क्या हुआ, उनकी ओर से वही जवाब मिला, आप मां नहीं बन सकते। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम बच्चा गोद लेंगे, और ये इसका हस्बैंड है, इसने मुझे ये बात बताई, इससे मेरी जब बात हुई तो ये कहता कि मैंने बोला अब इनके मिसेस के बारे में पूछा, वो क्यों नहीं आती, और इसी के कारण ये भी नहीं आ रहे थे। क्या नहीं आ रहे थे, ये कहते वो नहीं आती, फिर मैं क्या करूं, इनका भी मन थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो मैंने फिर से इन्हें समझाया, वो कहते मैंने बच्चा अडॉप्ट करना है, मतलब गोद ले लेना, क्या ले लेना। तो मैंने फिर से इनसे बात की कि नहीं, परमेश्वर सच्चा है, क्या है, और वो निश्चय करेगा, क्या करेगा। मैंने फिर से इन्हें उत्साहित किया, समझाया, क्या किया, क्यों जी, जब भी मेरी आपसे बात होती थी क्या मैं कहता था आपसे, बताओ मुझे। पापा जी, तुसी कहंदे कि चिंता ना करो, परमेश्वर तुहानू देगा, जरूर दे, और अपने बच्चों नू कदी भी शर्मिंदा नहीं होन दिंदा। यस, तारीफ करो इस बात के लिए, सच में परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होने था। मैं एक ही बात इनको कहता था कि नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं है। जिस दिन पापा जी ताने ना मेरी गल हुई फोन ते, उस तो बाद आए मेरा कंसीव हो गया। ओ, तारीफ करो इस बात के लिए। हाँ, देखो अभी खुशी की और लाजवाब बात ये है कि अब 7 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, और देखो 7 साल में कितने हालात आए, कैसे आगे पीछे हुए, हाँ, कितनी बार शैतान ने इन्हें गिराया, मन खराब, कई कुछ हुआ, पर मैं लगातार इन्हें उत्साहित करता रहा, नहीं परमेश्वर सच्चा करेगा,
आज देखो संसार में कहते हैं जब परमेश्वर देता है तो छप्पड़ वही हुआ, आंस इनकी कुक में इनके गर्भ में दो बेबी हैं। आमीन। क्या है बोलो? दो बेबी हैं, दो बेबी। आमीन। बोलो क्या है? आज दो हैं, दो। पर ये टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मन स्थिर नहीं कर पाए, ये बहुत जरूरी टाइम इसके कारण के। क्यों यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर अपने चुने हुए के लिए जो रात दिन दुहाई देते देर है, पर मन न स्थिर होने से ये टाइम लगता, पर फिर भी परमेश्वर सच्चा है। क्या बोलो? आज उसकी भी रिपोर्ट है आपके पास। हाँ जी पापा। दिखाओ दिखाओ उसकी भी, ये देखो दिखाओ वहां पे कैमरे से दिखाओ दिखाओ अच्छे से जूम करो। ये अल्ट्रासाउंड है जो लिखा है उसको दिखाओ, पिक्चर को तो कोई बात नहीं है ताकि लोगों को पता चले, लिखी चीज पूरा दिखाओ, पूरा पूरा दिखाओ अच्छे से अच्छे से। हाँ थोड़ा और करीब लेकर आओ, थोड़ा और करीब लाओ, करीब ला कर आओ। हाँ बस 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 बस, ये देखो अब इस रिपोर्ट में है कि इनकी गर्भ में इनकी कुक में दो बेबी हैं। छोटी बात है, बोले छोटी बात है, छोटी बात है। अभी ये जैसे फिल्म आती ना ट्रेलर है, ये ट्रेलर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? अब रियल में अब लोगों को बताना है और इसके लिए अभी अपनी मेहनत करनी है, जो बाकी समय है अब लगातार उसकी हजूरी में आना है ताकि सच में लोगों को संसार के लोगों को पता चले कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हाँ। और अपने लोगों को वो कभी भी लज्जावान होने नहीं देता। आमीन। आमीन। क्या चाहिए, एक लड़की एक लड़का के दोनों? हाँ जी पापा जी। एक लड़की एक लड़का? हाँ जी। नहीं दोनों बेटे नहीं चाहिए? नहीं एक बेटी भी जरूरी, एक बेटी भी जरूरी है। हाँ जी पापा। धन्यवाद ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम से। मैंने तो सोचा शायद बोलेंगे कि दोनों बेटे चाहिए, ठीक है तो ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम से। बस आप लगातार उसकी हजूरी में आना और बने रहना, परमेश्वर आपके साथ हैं। हम तारीफ करेंगे खुदा का वचन का। बचे दा यहोवा वलो मिलते मीरास है। ये सॉन्ग नहीं, ये सॉन्ग नहीं। डरो मत चुपचाप, ये वाला गाओ। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो। दूरी हवाएं जब चलती है। आमीन आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है। ओके गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको और भी आशीष दे।